महाराजगंज क्षेत्र के सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल ने अपना चौथा वार्षिकोत्सव मनाया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर महाराजगंज के डीएसपी ने शिरकत की। वार्षिकोत्सव में स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दीप प्रज्वलित कर डीएसपी पोलस्त कुमार और प्रिंसिपल सौरभ श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। डीएसपी पोलस्त कुमार ने स्कूल के टॉपर छात्रों को प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को बहुत ही यादगार बना दिया। छात्र छात्रा ने एकल नृत्य और सामूहिक नृत्य करके दर्शकों का मन लुभाया। कई छात्र छात्राओं ने ड्रामा नाटक प्रस्तुत करके समाज के लोगों को जागरूक किया। आज स्कूल के पाठ्यक्रम आए हैं बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं, क्या संदेश दीजिए? निश्चित तौर पे मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सौरभ श्रीवास्तव और पूरी टीम को है कि इस क्षेत्र विशेष में खासकर इस ग्रामीण क्षेत्र में इनके द्वारा जो एक अनूठा पहल किया गया है ये लगातार दिन और रात चौगुनी ये तरक्की करे, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इनके साथ। जी संदेश यही रहेगा सर कि सभी लोगों को जो भी ये देख रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनकी अच्छी शिक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए और सभी स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले बच्चों सबसे ये निवेदन है कि बच्चों को उनकी ज़रूरत की शिक्षा दें, ज़माने के हिसाब से शिक्षा दें और उन्हें शिक्षा से ज़्यादा स्किल्स सिखाएँ जिस पर हम ज़्यादा फोकस करें। गरीब बच्चों के लिए क्या आपके सर? मेरे स्कूल में गरीब बच्चों को हम फ्री भी पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ाने की भी सुविधा है और दूसरी सुविधा ये है सर कि जो हमारे यहाँ मेधावी छात्र छात्राएं हैं जैसा कि अभी डीएसपी सर ने दिया भी है उनको सर्टिफिकेट, तो हमारा जो बच्चे टॉप करते हैं एग्जामिनेशन में हम उन्हें एक साल की फ्री स्कॉलरशिप देते हैं, उनकी किताबें मुफ्त होती हैं, उनके ट्रिप्स फ्री होते हैं, पूरा एक साल उनके लिए मुफ्त होता है स्कूल। अभी डीएसपी साहब के हाथों से दिया भी गया है, आप लोगों ने देखा भी था, तो हम उस पर काम करते रहते हैं हमेशा और वैसे बच्चों को हमेशा हमेशा आगे बढ़ाते हैं।